आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। मोदी और कांग्रेसियों की विचारधारा में कितना फर्क है, आज इसको लेकर दो धमाकेदार तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जिनके बीजेपी कार्यकर्ता पैर छूने आते हैं तो उन्हें ना तो पैर छूने दिए जाते हैं और ना ही झुकने दिया जाता है, बल्कि उल्टा प्रधानमंत्री मोदी खुद अपने कार्यकर्ता के पैर छूने लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया हैं, उनका अहंकार है जो भीड़ के बीच कार्यकर्ताओं से अपने जूते खुलवा रहा है, दिखा रहे हैं कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की क्या अहमियत है। सोशल मीडिया पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री की हरकत की ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने राजनीति में कोहराम मचा दिया है, और इस वायरल वीडियो के साथ मुख्यमंत्री नए विवादों में फंस गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री साहब धोती कुर्ता पहने गांधी जयंती के मौके पर गांधी जी को फूल चढ़ाने उनकी प्रतिमा के पास पहुंचे, लेकिन जूते खोलना भूल गए और फिर जो हुआ हर कोई दंग रह गया, क्योंकि मुख्यमंत्री पोल पकड़कर खड़े हो गए और कांग्रेस कार्यकर्ता नीचे बैठकर उनके जूते खोलता नजर आया। उससे भी चौंकाने वाली बात तो ये है कि जो कार्यकर्ता नीचे बैठा हुआ था उसके हाथ में तिरंगा झंडा लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही दूसरे कार्यकर्ता ने झंडा जूते पर लगता हुआ देखा तुरंत उसके हाथों से छीन लिया। ये कांग्रेस राज में कार्यकर्ताओं का सम्मान है जिन्हें जूते की नोक पर रखा जाता है। कांग्रेस का वीवीआईपी कल्चर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं समझता है, मुख्यमंत्री उनसे चाहे जो काम करवाएं, ये बात तस्वीरों ने साफ साफ जाहिर कर दी है। अब सिद्धरमैया की हरकत पर लोगों ने भी उन्हें सोशल मीडिया पर बुरी तरह घेर लिया है। अजय कांत नाम के एक यूजर ने लिखा, वाह नेतागिरी, चमचागिरी इस हद तक हद है, नेताजी पहुंचे थे श्रद्धांजलि देने, कार्यकर्ता से जूते उतरवाए लेकिन इसी बीच तिरंगे का अपमान भी कर बैठे। हाथ में तिरंगा लेकर सिद्धरमैया के पैरों से जूते उतरवाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता, सिद्धरमैया महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, ये है कांग्रेस के जमीनी नेता। इसके साथ ही गोविंदा झा नाम के एक और यूजर ने लिखा, गिरे हुए नेता हैं ये लोग, कितना नीचे गिरेंगे पता नहीं। इसके साथ ही अनिल कुमार नाम के एक यूजर ने तंज कसते हुए आगे लिखा, कांग्रेस परिवार की मानसिकता और परंपरा को ही आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ लोगों में बदलाव आ ही नहीं सकता, जैसे कुत्ते की दुम। सिद्धरमैया के जूते उतरवाने वाली तस्वीरों पर ना सिर्फ सोशल मीडिया पर लोग भड़क उठे हैं बल्कि बीजेपी ने भी सिद्धरमैया पर सवाल उठा दिए हैं और बता दिया है कि कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार की दुकान, अहंकार की पहचान और तिरंगे का अपमान है। कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की दुकान, अहंकार की पहचान और तिरंगे का अपमान। सिद्धरमैया जी भ्रष्टाचार के पोस्टर बॉय है, उनको तो इस्तीफा देना चाहिए था, पर इस्तीफा देने के बदले अपने फीते अपने जूते कार्यकर्ता से पहनाते हैं, और वो भी उस समय पर जब उनके हाथ में तिरंगा है गांधी जयंती के अवसर पर। मतलब तिरंगे का भी अपमान और बापू के सिद्धांतों का भी अपमान। वैसे भी कांग्रेस बापू के सिद्धांतों पर तो चलती नहीं है, अब तो वो राहुल गांधी के सिद्धांतों पर चलती है। मतलब अहंकार, भ्रष्टाचार, परिवार, यही इनकी पहचान है। इसीलिए हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया, स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर आ गया, अक्यूज नंबर वन बन गए सिद्धरमैया, ईडी केस शुरू हो गया। पर सिद्धरमैया जी क्या करते, इस्तीफा नहीं देते, अपने कार्यकर्ताओं से जूते बंधवाते हैं, कभी मीडिया को धक्का मारते हैं और कभी सीबीआई को ब्लॉक करते हैं, और जांच में अपना इस्तीफा देकर जांच होने देने के बदले किस प्रकार से जांच को रोकने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की दुकान, तिरंगे का अपमान, नॉट संविधान का सम्मान। अब राहुल गांधी बताए ये संविधान का सम्मान है या नहीं। तो सिद्धरमैया अब चारों तरफ से फंसते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि दूसरी तरफ ईडी का शिकंजा भी सिद्धरमैया पर आफत बढ़ा रहा है। अब सिद्धरमैया ने भी अपनी पत्नी के नाम पर अलॉट प्लॉटों को भी वापस लौटा दिया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद सिद्धरमैया घुटनों पर आ गए हैं, उनकी कुर्सी हिलती हुई दिखाई दे रही है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए ये भी विस्तार से बता देते हैं। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर मूडा के तहत उनकी पत्नी को 14 स्थानों के आवंटन में अनियमितता के आरोप है। आरोप है कि कर्नाटक के सीएम की पत्नी को 2011 में कथित तौर पर मूडा की तरफ से नियमों को ताक पर रखकर 14 हाउसिंग साइट दी गई थी। लोकायुक्त के दर्ज किए गए केसों में सिद्धरमैया, उनकी पत्नी, उनके साले देवराजू को आरोपी बनाया गया है। हालांकि जब ईडी का डंडा इस केस में चला तो बौखलाते हुए उन्होंने भी केस को बीजेपी की साजिश बता दिया और कहा कि विपक्ष उनसे डरा हुआ है इसलिए उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई है। खैर अब सिद्धरमैया ने जो कांड किया है उसके सबूत ईडी के हाथ लग चुके हैं, जिससे आज न कल सिद्धरमैया की कुर्सी जरूर हिलती हुई नजर आएगी। फिलहाल जिस तरीके से सिद्धरमैया की अब तस्वीरें जूते उतरवाते हुए वायरल हो रही है उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।